जय श्री राम फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलेश किचन। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आज बना रहा हूँ हरी मूंग की भजिया। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरे के करीब मैंने मूंग भिगा के रखे थे, तो देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल गए हैं। और फ्रेंड्स भजिया तो हम बहुत सारे खाते हैं, बेसन के बनाते हैं, लेकिन इस बार मैं मूंग के भजिया बना के दिखा रहा हूँ और बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है और हरा धनिया और थोड़ा सा जीरा। जीरा में थोड़ा सा डालने वाला, इतना नहीं डालने वाला। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मिक्सी जार लिया है और हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मूंग डाल देंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, एक साथ नहीं पीसना है। इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा और मूंग को मैंने अच्छे से धो के लिए है पहले ही। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमने हरी मिर्च ली है इसको कट करके डालेंगे। इस तरीके से कट कर लेंगे और साथ ही में इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमने लहसुन लिया है लहसुन भी डाल देंगे इसमें और इसमें हरा धनिया और इसी में हम क्या करेंगे थोड़ा सा जीरा लेंगे। जीरा कम से कम छोटा 1 चम्मच के बराबर लेना है। फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब इसको हम अच्छी तरह से पीस के लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने इसको अच्छी तरह से पीस के लिया है और मैंने ज़्यादा एकदम बारीक भी नहीं किया है, थोड़ा सा मीडियम सा दरदरा सा रखा है। देख सकते हैं इस तरीके से हमको बना के लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक टोपले में निकाल लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टोपला लिया है, अब इसमें हम सारा निकाल लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये भी हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आपने मूंग के अगर भजिया बना के खाए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर से एक बार हम इसमें डाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हो गया है सारा हमारा निकालना। अब इसमें हम निकाल के फ्रेंड्स मूंग को हम कम से कम है ना 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखना है, नहीं तो अच्छे नहीं बनेंगे पकोड़े। आप भजिया भी बोल सकते हैं, पकोड़े भी बोल सकते हैं, और हमारे इधर तो यहाँ पे इसको भजिया ही बोलते हैं। सकते हैं फ्रेंड्स हमने निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमें हरे हरे पकौड़े बनाना है। और इसी में साथ ही में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम मीठा सोडा डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालना है, 1 चुमटी डालना है, इतना सा ही डालना है। और इसी में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अजवाइन डालेंगे, अजवाइन से एकदम टेस्ट अच्छा आता है, तो अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम थोड़ा सा 1/2 चम्मच करीब हम धनिया पाउडर यूज करेंगे। धनिया पाउडर से क्या होगा फ्रेंड्स, अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसका भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेके लेंगे। और फ्रेंड्स इसमें एक खास चीज डालनी है, इससे हमारी जो भजिया है एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे।
इसको हम क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा गरम तेल डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। फ्रेंड्स अब इसको हम क्या करेंगे, एकदम अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। हमें कम से कम 1 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। फ्रेंड्स जब आप भजिया बनाएंगे ना तब एकदम स्ट्रेबली और एकदम जालीदार बन जाएंगे। फ्रेंड्स अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर लेंगे, एकदम अच्छा सा लुक आ जाएगा, दिखने में एकदम सुंदर दिखता है। और इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। देख सकते हैं एकदम अच्छा सा देख रहा है इसमें हरा धनिया डालने के बाद। अब थोड़ी देर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए हम इसको अच्छी तरह से ढक के रखेंगे। फ्रेंड्स हमने गैस पे कड़े रख दिए हैं, अब हम सबसे पहले गैस को ऑन करते हैं, हम कड़ी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स कड़े गर्म हो गई है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम तेल डाल देंगे। और फ्रेंड्स हम तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तब तक क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हरा कड़ी पत्ते को बारीक करके रखा है और हम इसमें डाल देंगे, इससे टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके लेंगे। और देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से हमें पेस्ट बना के लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा डाल के देखेंगे। देख सकते हैं डालने के बाद तुरंत ही ऊपर आ रहा है, मतलब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसमें चम्मच से हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और बहुत ही अच्छे से भजिया बन जाएंगे इसके। हमें ज्यादा नहीं डालना है, थोड़े से ही डालना है। अब इसको हम एक बार इसको पलटा के लेंगे और देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से ग्रीन ग्रीन कलर के भजिया बन गए। और इसको हम थोड़ा सा गोल्डन कलर होने तक इसको अच्छे तरह से पका लेंगे। इसको बीच बीच में पलटा के लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये एकदम कलर चेंज हो गया है, अभी अच्छे से बन गया है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से सुनहरे सुनहरे कलर के दिख रहे हैं और हरे हरे। आपको फिर से एक बार बना के दिखाते हैं। मैं हाथों से ही डालूंगा क्योंकि मुझे हाथों से ही डालना अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी होता है। हम गैस को थोड़ा सा कम कर देंगे। और फटाफट हाथों से ही डालेंगे। फ्रेंड्स मुके पकौड़े किस किस को अच्छे लगे मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, और आप एक बार घर पे बना के जरूर देखना। हम इसको आप पलटा के लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने गोल गोल बन गए। और ज्यादा इसको गर्म नहीं करने की जरूरत है क्योंकि तेल पहले से ही गर्म है। और इसके जैसे ही बुलबुले कम हो जाएंगे
समझ लेना कि अब हमारे भजिया रेडी हो गए। इसको बीच बीच में पलटाना है क्योंकि हमारे भजिया जल ना जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके बुलबुले कम होने लगे। फ्रेंड्स, मूंग के हर रेसिपी अच्छी लगती है। अब मूंग एकदम पौष्टिक रहता है खाने में, तो बच्चों के लिए ये बनाना अच्छा बना के दिए देना। देख सकते हो गए रेडी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हाथों से डालने के बाद कितने अच्छे से गोल गोल बन गए, और कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आ गया। और एक बार बना के दिखाता हूँ। हाथों से एकदम फटाफट बन जाते हैं और अच्छे से गोल गोल बन जाते हैं। फ्रेंड्स, पिछली बार जो मैंने वीडियो डाली थी जो मूंग का नाश्ता, तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए मालूम नहीं। तो प्लीज आप मेरी वीडियो पर आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा। कभी कभी टाइम नहीं मिलता मुझे, इसलिए नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं पक्का आ जाऊंगा। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, और क्योंकि मेरी वीडियो ज्यादा नहीं आती, हफ्ते में एक ही तो आती है। तो देख सकते हैं, हम एक बार इसको पलटा के लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने अच्छे से गोल गोल बन गए। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। मैंने गैस थोड़ा सा कम कर दिया था। फ्रेंड्स, अगली रेसिपी मुझे क्या बनाना है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और फ्रेंड्स, जो पिछली बार मैंने कुछ चैनल के नाम लिए थे, पुनीता सिंह का जो नाम लिया था, तो फ्रेंड्स और इसका भी एक नाम लिया था, शायद शारदा विलेज लाइफ, उसके बारे में बोला था। तो फ्रेंड्स, शारदा विलेज लाइफ के सब्सक्राइबर 1K होने में खाली 20-25 आईडी का सपोर्ट की जरूरत है। तो अब ज्यादा से ज्यादा उनको ज्वाइन कर लेना। और पुनीता सिंह के बारे में बोला था, पुनीता सिंह को कम से कम 15 या 16 जन लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन उनका 1K होने में बहुत बाकी है। तो फ्रेंड्स, उनकी वीडियो पे भी जाया करो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज होने लगा है और बुलबुले भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगे। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसको आप हरी चटनी के साथ खा सकते हो या टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हो, लेकिन मैं इसको दही के साथ रखने वाला हूँ क्योंकि इस मूंग के भजे के साथ खट्टापन अच्छा लगता है खाने में। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें बुलबुले कम हो रहे हैं। पर फ्रेंड्स, आप अपनी राय मुझे बता दिया करो कि मुझे रेसिपी क्या बनाना चाहिए और आपको क्या पसंद है, तभी मैं आपकी पसंद की रेसिपी बना सकता हूँ। अब इसको हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ये हो गए रेडी हो गए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने अच्छे से कलर आ गया। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और फ्रेंड्स, जो शारदा विलेज लाइफ है उनको भी ज्वाइन कर लेना। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक बहुत कम आती है फ्रेंड्स, लाइक भी कर देना।
और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ही शेयर कर देना, और अगली बार रेसिपी क्या बनाना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगले रेसिपी मिलते हैं, तब तक फ्रेंड्स बाय बाय।